नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है आपका TST PHT PRT वाला जो दिसंबर महीने में होने वाला है, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले जो है हमारे यहाँ पर हरियाणा GK से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन ये आ जाते हैं। इसके बाद हमारे जो अन्य सब्जेक्ट है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, और ये जो क्वेश्चन है आपका अगर स्टैट के अलावा HSC के भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि CET का एग्ज़ाम है वो भी दिसंबर के महीने में ही जा हो सकता है, नवंबर या फिर दिसंबर में, तो उसके लिए भी जाए यहाँ पर ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा अगर किसी ने HPSC वाला जो एग्ज़ाम है इसका एग्ज़ाम दिया था HPSC का, तो इसमें भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिनकी जो वही वो डेट इंटरव्यू डेट आ चुकी है, शेड्यूल आ चुका है। अगर आपने अपना शेड्यूल अभी तक नहीं देखा है तो वाली वीडियो जो आपको इस वीडियो के अंत पे मिल जाएगी उसमें जाकर आप अपना शेड्यूल देख सकते हैं, अगर आपने उनमें से कोई एग्ज़ाम दिया था तो। महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके साथ ही आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी जो आप प्रिय पोस्ट है तो इनको आप ज्वाइन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा, रोहतक नगर 12 योजन लंबा और 7 योजन चौड़ा था, तो ये जो सूचना जो है कौन से ग्रंथ से हमें प्राप्त होती है, दिव्य अवदान से, आचरण सूत्र, अर्थशास्त्र या फिर महाभाष्य से। तो किस में जो इसके बारे में बताया गया है कि रोहतक 12 योजन लंबा और 7 योजन चौड़ा था, और इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो कौन सा है यहाँ पर, ये दिव्य अवदान है। अब दिव्य अवदान क्या है, बौद्ध ग्रंथ है दिव्य अवदान, तो इसमें जो बताया गया है, और नगर की सुरक्षा के लिए इसके आसपास रक्षात्मक दीवारों का निर्माण कराया गया था जिसमें 62 दरवाजे थे। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में स्थित चिनेटिक स्तूप की जो प्रमुख विशेषता इनमें से कौन सी है, यह राज्य की प्राचीनतम धार्मिक इमारत है, इसका निर्माण गोलाकार आकृति के रूप में किया गया है, हिंदू मुस्लिम वास्तुकला का मिश्रण है या फिर ये सभी। तो चिनेटिक स्तूप ये जो है यमुनगर जो है जगाधरी में है ये, तो इसकी विशेषता क्या है, और इसमें जो हमारे यहाँ पर सेंसर ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो ये सारी सारी जो यहाँ पर मानी गई है, प्राचीन धार्मिक इमारत है, गोलाकार आकृति के रूप में बना हुआ है, और हिंदू मुस्लिम वास्तुकला का मिश्रण है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, निम्न में से क्या नारनौल में स्थित जल महल की विशेषता नहीं है, तो नारनौल में स्थित जल महल की विशेषता नहीं है, इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया, यह महल एक नदी के बीच में स्थित है, इस महल में उपस्थित 5 छतें इसे उत्कृष्ट बनाती है, इसकी स्थापत्य कला अकबरी शैली की है। तो ये जो जल महल जो है इसकी विशेषताओं में एक नहीं है, और कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी में दी गई है कि यह महल एक नदी के बीच में स्थित है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राज्य में मध्यकाल में बनी किस इमारत का पूरा काम पत्थर से किया गया था, अकबर का जो शीश महल है, पुड़िया का रंग महल का, दोनों का या किसी का भी नहीं। तो मध्यकाल में बनी किस इमारत का पूरा काम पत्थर से किया गया था, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आई है, तो कौन सा था ये, बुढ़िया का रंग महल। नेक्स्ट आ जाता है, हांसी में स्थित अलीगढ़ का जो किला है जो 12वीं सदी में बनाया गया था, इसको कहा जाता है कुल्हाड़ी, चाको, तलवार या लाठिया का किला। तो हांसी में है ये अलीगढ़ का किला जो 12वीं सदी में बनाया गया था, और इसे कहा जाता है तलवार का किला। नेक्स्ट आ जाता है, राज्य में मध्यकाल के दौरान बने दुर्गों की प्रमुख विशेषता थी कि इनका पहाड़ियों पर स्थित होना, अफगानी शैली में बनना, दोनों या फिर कोई सी भी नहीं। तो मध्यकाल के दौरान बने दुर्गों की प्रमुख विशेषताओं में से जो यहाँ पर था कौन सा, तो ये दोनों ही जो यहाँ पर मानी गई है, जिसमें पहाड़ियों पर स्थित होना और साथ ही तुर्क अफगानी शैली में बनना। नेक्स्ट आ जाता है, हिसार में स्थित लाट मस्जिद जो है इसका निर्माण किसने कराया था, गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या कोई सा भी नहीं। तो ये हिसार में है लाट मस्जिद, इसका निर्माण कराया गया था, और ये कराया गया था फिरोज शाह जो तुगलक हैं इनके द्वारा। इसके साथ ही हिसार जो यहाँ पर गुजरी महल भी है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हांसी में स्थित जो चहार कुतुब है इसमें कितनी मीनारें कितनी मजारें उपस्थित हैं, तो इसमें जमालुद्दीन, बुरहानुद्दीन, कुतुबुद्दीन या ये सभी।
और इसमें जो यहाँ पर मिजाज की बात करें तो इन सभी की है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, थानेसर में स्थित सेकचिली के मकबरे की प्रमुख विशेषता है। एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है सेकचिली का मकबरा कहाँ पर है, तो ये थानेसर में है। और विशेषताओं में है यहाँ पर कि इस मकबरे का निर्माण बलुआ पत्थर और रंगीन टाइलों से किया गया है, या मकबरे को ऊंचे चबूतरे पर स्थित है, इस मकबरे की छत पर चित्रकारी की गई है, या फिर ये सभी। तो इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर है ऑप्शन डी वाला, तो ये सभी जो विशेषताएँ हैं जिसमें इसका मकबरे का जो निर्माण बलुआ पत्थर और रंगीन टाइलों से किया गया है, मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है, मकबरे की छत पर चित्रकारी की गई है, तो ये सभी के सभी जाए इसमें से आंसर हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में आधुनिक एवं नियोजित ढंग से बसाया गया जो प्रथम नगर कौन सा था, करनाल, रोहतक, भिवानी या गुड़गांव। तो आधुनिक और नियोजित ढंग से बसाया गया प्रथम जो नगर है यहाँ पर, तो कौन सा है, ये करनाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का जो डिजाइन है ये किसने बनाया था, एडविन लुटियंस ने, ली कार्बुजियर, लॉरी बेकर या कोई सा भी नहीं। तो चंडीगढ़ में जो उच्च न्यायालय है इसके भवन का डिजाइन और इसका संबंध है ली कार्बुजियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वास्तुकार है ली कार्बुजियर के द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना। अब क्वेश्चन जा उसको कई बार जा घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है, तो आंसर वही है, बंद हस्त स्मारक, दायां हस्त स्मारक, खुला हस्त स्मारक या बायां हस्त स्मारक। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला हमारा रहेगा, खुला हाथ स्मारक। तो आपने जहाँ हाथ का निशान बना हुआ देखा होगा तो खुला हाथ वाला, तो इसका संबंध है ली कार्बुजियर से है। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा से प्राप्त यक्ष यक्षिणों की मूर्तियाँ किस हाल की है, तो ये कौन से काल की है, मौर्य, गुप्त, शुंग एवं कुषाण काल की या कोई सा भी नहीं। तो प्राप्त जो ये यक्ष यक्षिणों की जो मूर्तियां हैं ये जो प्राप्त हुई थी और इनका जो संबंध है ये शुंग और जो कुषाण काल है, तो इनसे जो ये मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है, यक्ष यक्षिणों की मूर्तियां ये बनी हुई है लाल संगमरमर, काला या बलुआ पत्थर से, तो यक्ष यक्षिणों की मूर्तियां किससे बनी हुई है और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा था, जो लाल पत्थर है। नेक्स्ट आ जाता है, सूर्य स्तंभ, तो ये जो सूर्य स्तंभ है ये कहाँ पर है, थानेसर में है, सौंध, ब्राह्मणवास या फिर औरंगाबाद में है, और यहाँ पर हमारा सेंसर है ऑप्शन ए वाला, तो कहाँ पर है ये, थानेसर में है। तो इस पर जो ये मूर्तियाँ जो है इसमें बहुत और सांची की जो कला है वो देखने को इनमें मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है, महात्मा बुद्ध की दो पूर्ण मूर्तियाँ हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुई थी, नौरंगाबाद से, ब्राह्मणवास से, दोनों से या किसी से भी नहीं। तो महात्मा बुद्ध की दो पूर्ण हरियाणा से जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी और ये था नौरंगाबाद और ब्राह्मणवास, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी वाला सी आंसर हमारा रहेगा। नेक्स्ट है, मूर्तिकला की दृष्टि से हरियाणा का सर्वाधिक उन्नत काल कौन सा है, मौर्य, कुषाण, शुंग या फिर गुप्त काल। तो मूर्तिकला की दृष्टि से हरियाणा का सर्वाधिक उन्नत काल जो है यहाँ पर ये गुप्त काल है मूर्तिकला के लिए। इसके बाद है, निम्न में से किस स्थान पर यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ प्राप्त नहीं हुई है, तो कौन सा स्थान है जहाँ से ये यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ प्राप्त नहीं हुई थी, पलबल, अग्रोहा, बादस या फिर हथीन से। और इसमें रहेगा ऑप्शन सी हमारा, तो ये स्थान अग्रोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गुप्तकालीन सूर्यदेव की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है, बरवाला, नौरंगाबाद, अग्रोहा या मोहनबाड़ी से। तो गुप्तकालीन सूर्यदेव की मूर्ति और ये जो प्राप्त हुई थी तो जो अग्रोहा स्थान है तो वहाँ से ये प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ से प्राप्त हुई थी। अब कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं कि सैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति कौन से जिले से प्राप्त हुई थी, सोनीपत जिले से, और स्थान कौन सा था, गोहाना, खरकोदा, फाजिलपुर या फिर मोहना। और ये जो स्थान है ये फाजिलपुर है, ऑप्शन सी वाला। इसके बाद आ जाता है, संदर्भकालीन चित्र में भावों की अभिव्यक्ति और प्रदर्शन कौन सी कोटि का है, निम्न, उत्कृष्ट, सामान्य या कोई सा भी नहीं। तो जो सिंधु काल है संदर्भकालीन चित्र में भावों की अभिव्यक्ति और प्रदर्शन किस कोटि का है,
और ये जो है यहाँ पर उत्कृष्ट जो कोटि है इसका माना गया है। और हरियाणा में जो सैंधवकालीन जो चित्रित वस्तु है मिथातल और जो बनावली स्थान है वहाँ से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, हरियाणा में जो सैंधवकालीन जो चित्रित वस्तुएं थी किस स्थल से प्राप्त हुई थी, मिथातल से, बनावली से, दोनों से, किसी से भी नहीं। तो सैंधवकालीन चित्रित वस्तुएं और इनका जो संबंध है ये दोनों से माना गया, जिसमें मिथातल और जो बनावली स्थान है तो ये दोनों इसमें आ जाते हैं। और इसमें जो है ये जो मिट्टी के जो बर्तन मिले थे विद्यमान, इन पर आड़ी तिरछी जो रेखाएँ थी वो बनी हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है, हर्ष के राजप्रसाद पर बने भित्ति चित्रों का विवरण किसने दिया था, हर्ष, पतंजलि, बाणभट्ट या फिर अमर सिंह ने। तो ये जो है जो ऑप्शन बी में है बाणभट्ट, इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं। राजा जो हर्षवर्धन थे इनके दरबारी कवि थे महर्षि बाणभट्ट, इनके जीवन चरित के ऊपर इन्होंने हर्षचरित लिखा था, तो इनके दरबारी कवि थे तो यही इनके बारे में लिखेंगे, तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद है, रेवाड़ी के राव ने हरियाणा की कला कि किस विधा को प्रोत्साहन दिया था, चित्र, नृत्य, संगीत या फिर नाट्य कला को। तो रेवाड़ी के राव ने हरियाणा में कला की किस विधा को प्रोत्साहन दिया था, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में बताई गई है तो कौन सी थी, यहाँ पर ये चित्रकला थी। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा में जो राजस्थानी कला है इसकी एक शाखा मानी जाती है, खरखोदा, भिवानी, रेवाड़ी या फिर मोहनबाड़ी। तो राजस्थानी कला की एक शाखा कौन सी है, और शाखा की बात करें तो जो ऑप्शन बी में आई है तो ये रेवाड़ी कला है। इसके बाद है, भागवत पुराण के दो चित्रित पांडुलिपियाँ किस विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई है, भागवत पुराण की दो चित्रित पांडुलिपियाँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय या केंद्रीय विश्वविद्यालय से। तो भागवत पुराण की दो चित्रित पांडुलिपियाँ जो विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई है और इसका नाम है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। इसके बाद क्वेश्चन है, सांझी हरियाणा की एक प्रमुख लोक चित्रकला है, लोक मूर्ति कला है, दोनों है या वास्तुकला है। तो जैसे अभी जो पैता गया है, पैता कह देते हैं जिसको, दशहरा, तो इससे एक दिन पहले भी जो सांझी का जो है त्यौहार होता है, तो ये एक प्रमुख क्या है इनमें, और इसमें जो है इसमें ऑप्शन आएगा एक वाला तो लोक चित्रकला है। तो इसमें जो पहले तो जो मिट्टी से बनाई जाती थी, तो अब तो जहाँ लगभग इसका जो चलन है वो कमी हो गया है, और रेडीमेड मिलती है बनी बनाई हुई अखबार की, लेकिन पहले जहाँ मिट्टी से बनाई जाती थी। नेक्स्ट आ जाता है, निम्न में से किसे सांझी की सात दीवार पर लगाया जाता है, चांद, सितारे, सांझी, ये बनाई जाती थी पहले तो ये दासी मंथरा, दासी भंगो और दोनों या फिर कोई सा भी नहीं। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सेंसर ऑप्शन भी बना रहेगा तो दासी अम्बो। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर मिलान करने का, सूची एक में स्थान है और दो में इमारतें यहाँ पर बताई गई है। तो इसमें देखें तो यहाँ पर कौन सा इसका बनेगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो जैसे थानेसर है, थानेसर का संबंध में क्या है, कर्ण का किला है। करनाल, करनाल में क्या है, तो ये जो करनाल यहाँ पर ये गुड़गांव है, क्योंकि गुड़गांव में है ये सोहना का किला, यहाँ पर जो गर्म पानी का चश्मा भी है सोहना स्थान पर। यमुनानगर जो है यहाँ पर, तो यमुनानगर में चिनेटी का स्तूप है, और रोहतक हो जाएगा फिर ये बलराम की मूर्ति, जैन मूर्ति ये हंस और रानी से मिली थी, बलराम की मूर्ति जाए रोहतक में है, और शेष से ये पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति ये फाजिलपुर सोनीपत में है, विष्णु की मूर्ति रोहतक में हो गई, और शिव की मूर्ति ये औरंगाबाद, सूर्यदेव की मूर्ति जाए अग्रोहा, और महात्मा बुद्ध की मूर्ति बामनवास और नौरंगाबाद में। सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति ये अमीन थानेश्वर में है, और यक्षिणी पलवल, भदास, हथीन और फरीदाबाद इन स्थान से मिली है। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर इसका मिलान ये हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर भी सूची एक में इमारतें दी गई है और दो में जो उनका निर्माण हुआ था ये दिया गया है। तो यहाँ पर जब हम मिलाएंगे तो इसमें ऑप्शन ए वाला बनेगा, तो एक दो तीन चार ऐसे ही बन जाएगा। जैसे जल महल है 1591 में, बुढ़िया करंग महल 1630 में, कन्नौड़ का किला 1755 में, और इब्राहिम सूरी का मकबरा 1540 ईस्वी में इनका निर्माण हुआ था। तो ये जो हमारे यहाँ पर हरियाणा जीके के क्वेश्चन थे, और इसके बाद फिर हमारे जो इंग्लिश ग्रामर जो है इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन ये आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है कि इन विच सेंटेंस
एज इज यूज एज कंजक्शन, तो इसमें कहाँ पर प्रयोग हुआ है? एज का प्रयोग संयोजक के रूप में या कहाँ पर प्रयोग हुआ है? वी वॉक एज फास्ट एज वी कुड, सी लाइक्स द सेम कलर एज आई डू, एज ही वॉज पुअर आई हेल्प हिम, या नन ऑफ दिस, कौन सा इसमें रहेगा? अब यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला है, एज ही वॉज पुअर आई हेल्प हिम, क्योंकि वह गरीब था इसलिए मैंने उसकी मदद की। तो यह वाला इसका एज का यहाँ पर सही प्रयोग किया गया है, एज ही वॉज पुअर, क्योंकि वह गरीब था इसलिए मैंने उसकी सहायता की, मदद की। नेक्स्ट जो आ जाता है नाउन फॉर्म, फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्सप्लेन, तो नाउन फॉर्म है यहाँ पर एक्सप्लेन जो है इसकी बतानी है। तो एक्सप्लेन, एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेन, कौन सा इसका सही आंसर रहेगा? और सही आंसर जो है यहाँ पर जो नाउन है यहाँ पर जो पूछा गया था, तो एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पर इसका बनेगा जो ऑप्शन सी में दिया गया है। इसका मतलब होता है एक्सप्लेनेशन मतलब स्पष्टीकरण। इसके बाद आ जाता है स्पोर्ट दी करेक्ट स्पेलिंग, तो जो सही स्पेलिंग है यहाँ पर वो आपने बतानी है। सही स्पेलिंग जो है ऑप्शन ए वाली है, डी ई एन ओ यू सी एम ई एन टी, निंदा इसका मतलब होता है, निंदा करना कह देते हैं जिसे। नेक्स्ट आ जाता है द पुलिस अश्योर द यंग मैन मर्डर ऑफ अबाउट एम या फिर फोर, तो इसमें कौन सा आएगा? पुलिस ने युवक पर हत्या का आरोप लगाया, तो इसमें देख सकते हैं कौन सा आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो इसमें बनेगा ऑप्शन ए वाला, तो ऑफ जो है ऑफ का प्रयोग यहाँ पर इसमें होगा। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम, तो ये जो मुहावरे लोकोक्ति होती है जैसे हिंदी में, तो सेम जाए यहाँ पर ये वैसे ही है, टू मेक बोथ एंड्स मीट, दोनों जो छोर है सिरे कह देते हैं जिसको, उसको मिलाना, दोनों छोरों को मिलाना, तो ये क्या है? मुहावरा है और ऑप्शन सी वाला इसका बनेगा, टू लिव विद इन वंस इनकम, तो यही इसका सही बनेगा, अपनी आय के भीतर रहना, मतलब जितनी आमदनी है उसके अनुसार ही खर्चा करना, तो अपनी आय के भीतर रहना, टू लिव विद इन वंस इनकम, टू मेक बोथ एंड्स मीट। इसके बाद आ जाता है विच सेंटेंस इज करेक्ट, अब यहाँ पर एक सही है वो कौन से वाला है? यहाँ पर वी ट्रेवल्ड बाय ऑटो, बाय द ऑटो, बाय ए ऑटो या एन ऑटो, सही कौन से वाला है? अब यहाँ पर जो इसमें सही है ऑप्शन या ए वाला बनेगा, तो वी ट्रेवल्ड बाय ऑटो, व्हेन वी टॉक अबाउट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वी डू नॉट यूज द ए और एन, तो इनका प्रयोग नहीं होता है अगर हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते हैं, तो बाय ऑटो जो है यहाँ पर इसका बनेगा, हमने ऑटो से याद रखी। इसके बाद है स्पोर्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल, तो वॉक फास्ट लेस्ट मिस द ट्रेन, अब ये जो लेस्ट जो है यहाँ पर इससे आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमेशा इसके साथ लेस्ट के साथ किसका प्रयोग होता है? लेस्ट के साथ हमेशा शुड जो है इसका प्रयोग होता है, तो एदर और नैदर नोर होता है जैसे, तो इसी प्रकार से यहाँ पर लेस्ट इसके साथ शुड जो है इसका यहाँ पर प्रयोग होगा। इसके बाद है चेंज द वॉइस मे फिनिश द वर्क सून, तो यहाँ पर चेंज द वॉइस वी मे फिनिश द वर्क सून, तो इसका कौन सा बनेगा? तो इसका आपने बताना है यहाँ पर, और इसमें जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन ए वाला बनेगा इसका, तो द वर्क मे बी फिनिश्ड सून, तो इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा, द वर्क से शुरू हो जाएगा और इसके मे है तो इसके साथ बी का प्रयोग होगा, तो द वर्क मे बी और ये थर्ड फॉर्म में चला जाएगा फिनिश्ड सून। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग आइडियम ऑफ द फोर रिस्पॉन्स गिवन आफ्टर, तो यहाँ पर भी वही है मुहावरे लोकोक्तियाँ, इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड जो है इसका मतलब क्या होता है? तो वही यहाँ पर इसका बताना है, ठंडा खून, तो इसका जो यहाँ पर अर्थ है ऑप्शन बी वाला, रूथलेसली इसको कहा जाता है, और निर्दयता कह देते हैं जिसको, तो निर्दयता पूर्वक इसका मतलब
होता है। इनका कोल्ड ब्लड, ठंडा खून। इसके बाद है विच ऑफ दिस प्ले प्लेस बाय शेक्सपियर डज नॉट यूज क्रॉस ड्रेसिंग एज ए डिवाइस। तो इसमें जो हमारे यहाँ पर सेंसर ऑप्शन आएगा बी वाला है, तो कौन सा था ये? जूलियस सीजर। तो शेक्सपियर के नाटक है, इसमें क्रॉस ड्रेसिंग का जो प्रयोग है उपकरण के रूप में नहीं किया गया है, तो ये जूलियस सीजर में है, क्योंकि नहीं में पूछा गया था यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है पिक दी सेंटेंस विच इज करेक्टली पंक्चुएटेड। तो यहाँ पर एक सेंटेंस जो इसमें सही है, वाक्य सही है, वो कौन से वाला है? तो यहाँ पर जो इसमें सही है ऑप्शन ए वाला है। ओह नो, फिर ये विषमाद्विभूत एक चेंज होता है, जैसे आई फॉरगेट आई विल फोन हर नाउ। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर बनेगा, अरे नहीं मैं भूल गया कि मैं उसे अभी फोन करूँगा, ये हैरानी वाला जो होता है जैसे। इसके बाद है फाइंड आउट द करेक्ट डेक्स्ट स्पीच ऑफ द फ्लोइंग नरेशन। तो यहाँ पर ये नरेशन है, ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अशोक। तो इसका बताना है यहाँ पर कौन सा बनेगा। अब इसमें अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन सी वाला बनेगा, तो ही इंक्वायर्ड है, तो ये हो जाएगा ही सेड टू ही और इज नॉट योर नेम अशोक। तो क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर ये, तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसका बनेगा। उसने उससे कहा कि क्या तुम्हारा नाम अशोक नहीं है, इज नॉट योर नाम अशोक। तो उसने उसको कहा कि क्या तुम्हारा नाम अशोक नहीं है, तो फिर यहाँ पर इंक्वायरी करेगा, ही इंक्वायर्ड, इसका उल्टा भी आ जाता है कई बार, तो ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अशोक। इसके बाद है चेंज द नरेशन, यू से आई कट दी फिंगर। तो यहाँ पर भी ये नरेशन है, उसको चेंज करना है। अब चेंज करने में जो यहाँ पर ऑप्शन एक वाला इसका बनेगा, तो यू से कॉमा टाकर दैट का प्रयोग हो जाएगा, यू से दैट और आई यू के अनुसार चेंज हो जाएगा, यू कट दी फिंगर। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये चेंज होगा। इसके बाद इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। तो वैन जो है ये बताना है, दे वेंट वैन द मॉर्निंग डाउन। तो इसमें जो यहाँ पर आया है इसका आपने बताना है, जब सुबह हुई तो वे चले गए। तो वैन क्या है यहाँ पर ये, जब एडवर्ब सबॉर्डिनेट क्लॉज है, एडजेक्टिव है, नाउन सबॉर्डिनेट है, ये कोई सा भी नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए को माना गया है, तो एडवर्ब सबॉर्डिनेट क्लॉज जो है यहाँ पर इसमें माना गया है, क्रिया विशेषण कह देते हैं जिसको। इसके बाद आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द सिनोनिम्स। तो समानार्थक बताना है यहाँ पर, एफेटिक जो है इसका मतलब क्या होता है, उदासीनता कह देते हैं इसको, उदासीन होना। तो इसका क्या समानार्थक पर्यायवाची बताना है, और पर्यायवाची जो है यहाँ पर ऑप्शन बी वाला है इसका, उदासीन का समानार्थी जो है यहाँ पर कठोर माना गया है। तो ये तो हमारे यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन थे, और इसके बाद फिर हमारे मैथ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जिसमें यहाँ पर है कि ए बी और सी मिलकर कुल 1980 कमाते हैं, वो उससे 2:1 और 3:2 में कमाते हैं, तो बी की जो कमाई है ये आपने बतानी है। तो अनुपात इनका आप देख सकते हैं, अनुपात ए बी सी का अनुपात किस प्रकार से बनेगा, 6:3:2 ये हो जाएगा। तो बी का भाग देखना है, तो 3 बी का भाग क्या है यहाँ पर, 3/3 हो जाएगा, 3/3 में 6, 3 और 7 में 2 और गुणा में हो जाएगा इनका वो 196, फिर हो जाएगा 3 गुणा में 180, तो हो जाएगा 18 × 54, तो 540 जाए यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद है कुछ राशि को 5 वर्ष 4 महीने तक 4.5% साधारण ब्याज पर जमा किया गया था, तो वह राशि 348 थी, तो का मान होगा। तो यहाँ पर वो का मान बताना है, और ये रहेगा यहाँ पर 200 रुपये। इसके बाद है एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर घंटा की चाल से चलने पर 5 मिनट देर से विद्यालय पहुँचता है, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर घंटा होती तो वह 10 मिनट पहले पहुँचता, तो उसके घर से विद्यालय की दूरी जो यहाँ पर बतानी है। तो
तो दूरी जा कितनी है, तो दूरी ये 5 किलोमीटर की है। तो ये हो जाएगा, माना जो x मान लेंगे तो x बटे 4 माइनस में 5 बटे में 60, तो ये हो जाएगा फिर x बटे में 5 और प्लस में 10 बटे में 60। तो इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, x बटे में 4 प्लस में x बटे में 5 और ये हो जाएगा 10 प्लस में 5 बटे में 60। तो ये क्या कितना आएगा, तो यह आ जाएगा x बटे 20 आ जाएगा और ये आ जाएगा 15 बटे में 60। तो x बराबर कितना आ जाएगा, फिर x बराबर आ जाएगा यहाँ पर ये 15 गुणा में 20 और बटे में 60। तो 20 + 60 3 × 5 = 15, तो 5 आ जाएगा ये। इसके बाद है 20 परिणामों का औसत है 18, जिनमें से प्रथम 9 का औसत 14 और अंतिम 9 का औसत 17। तो बीच के 2 परिणाम का औसत क्या होगा, तो बीच के 2 का औसत बताना है और बीच के 2 परिणामों का जो औसत है ये 40.5 यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है, एक व्यापारी रुपये 15 प्रति किलोग्राम की दर से 70 किलोग्राम और 18.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चाय खरीदता है और पैकिंग चार्ज 2% हो, तो वह दोनों कमीशन किस दर से बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। तो किस अनुसार में बेचे, तो ये 18.80 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, यदि जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़े तो 3 वर्षों के बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो जनसंख्या देख सकते हैं यहाँ पर कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 13,310। तो वैसे ही है यहाँ पर, जैसे हम 10,000 और 1/10/100 और समय 3 वर्ष, तो इसे हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10 × 11, तो 1, 2, 3, 10,000 और ये हो जाएगा 11/10^3 और इसे फिर हल कर लेंगे तो हल करके जाइए आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, यदि a = a/3, तो इसका मान जो है यहाँ पर बताना है। अब मान की बात करें तो यहाँ पर कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए वाला, तो 34 जो है इसका आएगा। नेक्स्ट आ जाता है, यदि x = 1/2, तो x + 1/2 का मान 21 के बराबर होगा, तो इसका जो मान जो है यहाँ पर ये 5/2 के बराबर रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, इनका समवर्त्य आपने बताना है। अब इसका जो यहाँ पर बनेगा, तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, तो ये आएगा इसका 32, 29 और 17। तो मैथम समापवर्तक निकाल लेंगे इनका, तो 32, 29, 17 आएगा ये। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, ए बी सी की मजदूरी की कुल राशि ₹33 है, वे अपनी मजदूरी का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं, यदि उनकी बचत का अनुपात 7:6:9 है तो अब उनके अपनी मजदूरी कौन कौन सी है इनमें से, तो वही आपने बतानी है। और मजदूरी की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला बनेगा, इसका था 105 रुपये, 120 और 108 रुपये इनकी बनेगी ये। नेक्स्ट आ जाता है रीजनिंग के क्वेश्चन है यहाँ पर, तो गलत संख्या आपने बतानी है, गलत संख्या यहाँ पर कौन सी है। तो इसमें अगर हम देखें तो 9 × 18 और 1 = 19 होता है, और यहाँ पर भी देखें तो 19 × 38 में से 1 = 37 होता है, 37 × 74 में से 1 = 75 होता है, मतलब 1 + 1 माइनस वाला क्रम है यहाँ पर। तो 149 में अगर हम 2 करें तो 298 बनते हैं, और इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो 299, तो इसका मतलब जो है यही हमारा गलत है, क्योंकि 1 प्लस है और 1 माइनस हो रहा है, तो ये वाला हो जाएगा इसका। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, तो क्वेश्चन है यहाँ पर लुप्त संख्या जो आपने बतानी है, तो यहाँ पर अगर हम देखें 7 और 5 = 12 इसका वर्ग,
44 होता है, 3 और 4 7 का वर्ग 49, 5 और 6 का वर्ग 36 और 8 और 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी वाला। इसके बाद है दिए गए समीकरण को शुद्ध करने के लिए किन चिन्हों को बदलना होगा, तो कौन से चिन्ह यहाँ पर बदलने होंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है ऑप्शन कौन सा बनेगा, तो ऑप्शन ए वाला इसका हो जाएगा। तो माइनस और गुणा वाले जो है हमने यहाँ पर ये बदलने होंगे। नेक्स्ट आ जाता है, अब यहाँ पर क्या है इसमें वर्ग बताने हैं कितने हैं, तो वर्गों की संख्या बतानी है इसमें, और वर्गों की संख्या इसमें कितनी है, तो ये 25 है। इसके बाद है एक पासे को 4 बार लुटकाने पर विभिन्न स्थिति आती है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। तो 6 के विपरीत जो आपने बतानी है कि कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। तो इसमें जो यहाँ पर 6 के विपरीत जो आएंगे तो ये 1 आ जाएंगे। इसके बाद है सूर्यास्त के पूर्व एक शाम को 2 मित्र सुमित और मोहित एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। यदि मोहित की परछाई ठीक उसकी दाईं तरफ थी तो सुमित का चेहरा किस दिशा में होगा, तो कौन सी दिशा में था। सूर्यास्त के पूर्व एक शाम को 2 मित्र सुमित और रोहित एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। यदि मोहित की परछाई ठीक उसकी दाईं साइड थी तो सुमित का चेहरा बताना है कौन सी साइड में था। तो उसका जो चेहरा है यहाँ पर यह उत्तर की साइड में था। इसके बाद है किसी निश्चित कूट भाषा में जो SIKKIM है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसी कुछ भाषा में जो ट्रेनिंग है इसको कैसे लिखा जाएगा ये बताना है इसका। और इसका जो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है ST और इसी प्रकार से अगर हम देखें HIKLJK तो मतलब तो ST बना है, इसी प्रकार से HI बना है, KL बना है, तो ये वाला जो क्रम है यहाँ पर चला हुआ है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बनेगा STU, तो इसी प्रकार से जाए UQBHOHOM ये वाला बन जाएगा जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।